एवरीवन, आज मैं आपके सामने लेके आ रही हूँ ईयरबड प्रिंटिंग, जिसके लिए रिक्वायर्ड मटेरियल ये रहेंगे, आप देख सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं अपना ये वर्क। सबसे पहले आपने A4 साइज शीट लेना है, लाइंस ड्रॉ करनी है बॉटम से टॉप पर, जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ ऐसे ही आप 4 to 5 लाइंस ड्रॉ करेंगे। जब ड्राइंग आपकी कंप्लीट हो जाए तो सिंपली आपने ब्लैक परमानेंट मार्कर लेना है और इसको आउटलाइन करना है, जैसे मैंने किया है ऐसे आप आउटलाइन करेंगे। देन वी यूज ईयरबड्स। एवरीवन नोज ईयरबड्स क्या होते हैं? वाइट। तो हमने सिंपली पहले ईयरबड को वाटर में डिप करना है, then we dip into the colors and take a print। आप देख सकते हैं किस तरह से मैं प्रिंट कर रही हूँ। आपने ऐसे ही प्रिंटिंग करनी है। वन टाइम में आपको 3 to 4 या फिर 5 आप प्रिंटिंग ले सकते हैं। डिप एंड प्रिंट। आप देख रहे हैं जो लाइन ऑलरेडी गिवन है उसी लाइन के ऊपर मैंने ये प्रिंट किया हुआ है। ऐसे ही आपने प्रिंटिंग करनी है। नाउ आई एम टर्निंग द ईयरबड एंड यूज्ड पिंक कलर। आप देख सकते हैं मैंने पिंक कलर का यूज कैसे किया है। सेम डिप एंड प्रिंट। जो भी मटेरियल मैंने यूज किए हैं इन सब के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, तो आप डायरेक्ट अमेज़न के थ्रू मंगा सकते हैं। डिप एंड प्रिंट। आप देख सकते हैं मैंने येलो कलर लिया है। सेम प्रोसेस है, डिप एंड प्रिंट। ये आप छोटे स्टूडेंट्स को, छोटे बच्चों को ज्यादा इजीली करा सकते हैं और वो बहुत एंजॉय करते हैं इस पेंटिंग को। उनके साथ आप राइमिंग फॉर्म में भी करा सकते हो, डिप एंड प्रिंट, डिप एंड प्रिंट। जब आपकी एक बार प्रिंटिंग ये हो जाए, पूरी अच्छे से आपने कलर कर लिया हो, इसके बाद हम ग्रीन कलर अपना लेंगे। मैंने ये पतला ब्रश यूज किया हुआ है, इसका भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपने कलर लिया ग्रीन कलर, बॉटम से टॉप तक आपने सेम लाइंस दी जैसे आप लाइंस दे रहे थे फर्स्ट टाइम जब आपने ड्रॉ किया था, तो आपने बॉटम से टॉप तक लाइन दिया था, ऐसी सेम लाइन देना है। द थिंग इज अब आपने छोटी लाइंस देनी है बॉटम टू टॉप। राइट नाउ आई एम यूजिंग डार्क ग्रीन कलर्स। इसी के साथ अब मैं लाइट ग्रीन कलर का कंट्रास्ट दूंगी। सेम मैंने लाइट ग्रीन कलर लिया एंड जस्ट फिल इट। सेम प्रोसेस रहेगा। देखिए कितना सुंदर लग रहा है अब ये। इस तरह से हमने इस प्रिंटिंग को कंप्लीट करना है। इसके
बॉर्डर के लिए भी मैं सेम ईयरबड्स का यूज़ करूँगी और ईयरबड्स की प्रिंटिंग दूँगी। इट्स अप टू योर चॉइस कि आपको कैसे करना है, कैसे प्रिंटिंग करना है। आप डायरेक्ट टेप भी यूज़ कर सकते हो फॉर द बॉर्डर। आप देख सकते हैं बॉर्डर को मैंने किस तरीके से किया है। ऑलमोस्ट मेरा बॉर्डर कंप्लीट हो गया है। ये मेरी फाइनल शीट है। ऐसे ही मेरी प्रिंटिंग्स को, मेरे आर्ट एंड क्राफ्ट को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिएगा। आपकी कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं। ऐसे ही मेरी वीडियोस को लाइक करिएगा जिससे कि मैं आपके लिए नई नई वीडियोस लेके आऊँ। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ नाइस डे। और इंस्टेंट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।